नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चार एवं आठ से विभाज्यता का नियम देखेंगे, जिसमें पहले आइए हम लोग देखते हैं चार से विभाज्यता का नियम। चार का विभाज्यता का नियम होता है, कोई दी गई संख्या चार से तभी विभक्त होगी जब इसके इकाई अंक इकाई एवं दहाई अंकों से बनी संख्या चार से पूर्णतः विभक्त हो जाए अथवा संख्या के अंतिम दो अंक शून्य हो। तो इनको पहले परिभाषा लिख के देखते हैं, फिर कुछ उदाहरण से अच्छी तरह से समझते हैं। तो लिखते हैं चार से विभाज्यता का नियम। कोई दी गई संख्या चार से तभी विभक्त होगी जब संख्या के इकाई एवं दहाई अंकों से बनी संख्या चार से विभाज्य हो जाए, विभाज्य मतलब विभाजित हो जाए अथवा संख्या के अंतिम दो अंक मतलब इकाई और दहाई के अंक शून्य हो। ठीक ना, तो परिभाषा हो गई। उदाहरण देखते हैं इसका। देखिए पहला उदाहरण 7, 8, 4, 5, 3 यहाँ 7 कर लेते हैं, 7, 3, 2। तो ये संख्या चार से विभाज्य है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के अंतिम दो अंक या इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या को लेंगे। तो लिखेंगे, इसको अंतिम दो अंक भी बोलते हैं, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या क्या हो गई, 32। तो इसको चेक करेंगे क्या ये चार से विभाज्य है, तो चार से विभाज्य 4, 8, 32। तो ये 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो लिखेंगे जो 4 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक ना, अतः दी गई संख्या या पूरी संख्या किसको यहाँ लिख सकते हैं, तो लिखते हैं 7, 8, 5, 7, 3, 2 चार से पूर्णतः विभाज्य है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए 7, 9, 7, 6, 3, 0, 0। अब चूंकि इस संख्या के अंतिम दो अंक या इकाई और दहाई के अंक शून्य हैं, तो इसमें कोई चेक नहीं करना, ये सीधे चार से विभाज्य है, क्योंकि अंतिम दो अंक शून्य है, क्योंकि संख्या के अंतिम दो अंक शून्य है, अतः दी गई संख्या चार से विभाज्य है। ठीक ना, तो इस प्रकार चार से विभाज्यता का नियम हुआ, हमको कोई भी संख्या अगर मिले तो हम केवल अंतिम दो अंक को ही चेक करेंगे कि क्या दो अंक चार से विभाज्य है कि नहीं। तो ये हो गया, या तो अंतिम दो अंक शून्य हो तो उसको देख के टिक मार सकते हैं कि ये चार से विभाज्य है। इसी प्रकार आठ से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो आठ से विभाज्यता का नियम चार के विभाज्यता के नियम के जैसा ही है, इसलिए हम देखते हैं उसमें कैसे क्या परिभाषा होती है। देखिए आठ से विभाज्यता का नियम,
कोई दी गई संख्या 8 से तभी विभक्त होगी जब संख्या के इकाई, ये लिखा है तो इसको इकाई, बस यही करेक्शन करना है, इकाई, दहाई एवं सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो जाए अथवा संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो। तो देखते हैं इसका उदाहरण, देखते हैं एक देखिए, पहला उदाहरण देखते हैं 7 9 8 5 1 2 1 2, ठीक ना। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक को लेंगे या इकाई, दहाई या सैकड़े अंकों से बनी संख्या को लेंगे। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या तो क्या आ गई 512। इसको हम 8 से विभाजित करके देखेंगे क्या ये कटती है, क्या 512 को 8, 8 छंग 48, 3 दो उतरा 8 चौक 32। देखिए ये 512 8 से पूर्णतः विभाजित है, देखेंगे जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य या विभाज्य है, ठीक ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 9 7 6 3 2 1 1 2 3, चूँकि यहाँ पर अंतिम 3 अंक शून्य है अतः इसको सीधे बोल सकते हैं कि ये 8 से संख्या विभाज्य है। तो लिखेंगे चूँकि अंतिम 3 अंक शून्य हैं अतः दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखा हमने 4 से और 8 से विभक्ति का नियम, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के संग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।